हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। मसाला बैंगन, और ये बैंगन भी हमने लंबाई में काट लिया है और आलू भी, और ये हमारे घर का बैंगन है ताज़ा। और दो हमने हरी मिर्च, दो लहसुन की कलियाँ 4-5, और दो ही प्याज लिया है, और इनको हम दरदरा कूट लेंगे। कूटने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इधर हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें हम थोड़ा सा भी ऑयल डाल रहे हैं, ये सरसों का तेल है। और पहले इसमें हम आलू फ्राई कर लेंगे। ऐसे बनाएंगे तो बहुत सब्ज़ी टेस्टी बनेगी और जिसको भी खिलाएंगे वो भी तारीफ़ करेगा। वैसे तो बैंगन खाना कोई जल्दी पसंद नहीं करता है, लेकिन आप अगर ऐसे बनाएंगे तो सभी तारीफ करेंगे। और अब हम इसको फ्राई तब तक हमें करना है जब तक इसमें एक कोटिंग ना हो जाए, लेयर ना बन जाए। अच्छे से फ्राई करके बनाएंगे तो बहुत बढ़िया देखिए कि इसमें लेयर बनने लगी है। आप चाहें तो यहाँ पे डीप ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं सेलो ही कर रही हूँ। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए सारे आलू को हमने प्लेट में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मैं फिर से थोड़ा 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, और तेल गरम हो गया है। 1 चम्मच जीरा भी चटकने लगा। कुछ खड़े मसाले हैं, 2 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च और 2 लौंग। इनको भी अच्छे से भून लेते हैं क्योंकि ये मसाला बैंगन की सब्ज़ी है। और 2 चुटकी हींग, हींग से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और ये जो हमने लहसुन मिर्च कूट के रखा था उसको डाल देते हैं, इससे इसका स्वाद और बढ़ेगा। और इसको इसमें भून लेंगे अच्छे से ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए इसमें। और अब हम ये जो प्याज काट करके रखे थे 2, उसको भी डाल देते हैं। और अच्छे से हमें इसको कलर चेंज होने तक भूनना है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी अगर ऐसे बनाएंगे। बैंगन तो कई प्रकार से बनता है। देखिए अब इसका भी कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे टमाटर हमने जो काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसे भी डाल सकते हैं। और नमक से ये जल्दी पक जाएगी। और अब हम इसमें पहले बैंगन को फ्राई कर लेंगे क्योंकि आलू पहले से ही फ्राई है। अब बैंगन को भी यहाँ पे भून लेंगे। जब तक इसका हल्का कलर ना चेंज हो जाए तब तक इसे हमें भून लेना है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो इसको अलग में तेल में भी भून सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये भून जाएगा। आप यहाँ पे हमने जो आलू फ्राई करके रखा था वो भी डाल दिया है। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को। और इसमें से आलू थोड़ा बड़ा रहता है तो दिखता भी है, इसीलिए मैंने ऐसे काटा है। और यहाँ पे हमने प्लेट से कवर कर दिया था। यहाँ पे 2-3 मिनट हो गया है और सब्ज़ी को भी बीच में हमें चलाते रहना है, नहीं तो लग जाएगी। और अभी पकी नहीं है, वो देखने से ही लग रही है। अभी 3-4 मिनट हुआ है। और हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच हमने और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है क्योंकि कम था। और मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा मसाले पसंद हैं तो यहाँ पे 2-2 चम्मच कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ही चम्मच डाला है क्योंकि बच्चों को बनाना है तो इसीलिए
बच्चों के लिए सब्जी बन रही है तो इसलिए कम ही डालेंगे। और यहाँ पे इसको पकते 5-6 मिनट हो गया है, फिर से चेक कर लेते हैं। और देखिए सब्जी का कलर भी चेंज हो गया है, देखने में भी अच्छी लग रही है। और अब हम इसको एक आलू को चेक करेंगे स्पून में लेके, ये पका कि नहीं पका। एक आलू ऐसे उठाएंगे और चम्मच से इसको काटेंगे। देखिए कट तो रहा है लेकिन अभी बहुत अच्छे से नहीं पका है, कट तो जा रहा है। और अभी हम इसको कुछ देर के लिए और पकाएंगे क्योंकि अभी बहुत अच्छे से नहीं पका है। और अब हम इसको बीच में कर रहे हैं, इससे प्लेट से फिर से कवर कर देंगे। और अब यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए अब देखने से ही आलू भी अच्छे से कट रहा है और देखने से भी लग रहा है सब्जी बन चुकी है। और चलिए अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आलू बैंगन की चटपटी सब्जी बन के तैयार है। आप यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है। और अब हम निकालेंगे प्लेट में। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।